जय हिंद स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 7 ऑन द बस। स्टूडेंट, कल मैंने इसमें आपको एक वर्क दिया था कि आपको इसकी 8 लाइन पोएम की राइट करने है ना, जिसे कि सभी ने नहीं किया। तो बेटा वो मस्ट है, ठीक है? आपको ये बहुत ईजी पोएम लर्न करनी है और इसे राइट करना है, ठीक है? सो आज इसके कुछ एक्सरसाइज जो कि हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है बेटा, देखिए इसमें ए है, टिक द करेक्ट बॉक्स टू कंप्लीट ई सेंटेंस। यानी आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें उसके आंसर्स ए बी सी करके राइट है, और उसमें आपको सही बॉक्स चूज करके उसे टिक करना है। तो फर्स्ट क्या है, द व्हील ऑफ द बस आर। तो जो बस की व्हील है वो कैसे बेटा, राउंड है, फ्लैट है या स्क्वायर है? राउंड है, राउंड है ना, आपने पढ़ा है द व्हील ऑन द बस को राउंड एंड राउंड। तो यानी राउंड सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, तो हम इसे राइट टिक कर देंगे। सेकेंड, द बस गोज थ्रू द, भी बस कहाँ जाती है, विलेज, टाउन या लेक? तो टाउन जाती है, टाउन को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम। फर्स्ट क्या है, द वाइपर्स ऑन द बस गोज। तो इसका क्या होगा, इसका सी होगा, स्विस स्विस स्विस, ओके। सेकेंड, द चिल्ड्रन ऑन द बस गो, द चिल्ड्रन ऑन द बस गो, ये क्या होगा, इसका ई होगा, चैटर चैटर चैटर। नंबर थ्री, द बेबी ऑन द बस गो, वाह वाह वाह। बेबी जो होता है वो कैसे उसकी साउंड होती है, वाह वाह वाह। तो यही हो गया, द बेबी ऑन द बस गोज वाह वाह वाह। फोर्थ, द डोर ऑन द बस गो, जो डोर होती है बस की वो कैसे कर, उसका कैसे साउंड होता है, कैसे वो करती है, ओपन एंड शट, वो खुलती और बंद होती है ना। फिफ्थ, द हॉर्न ऑफ द बस गोज पॉम पॉम पॉम, ठीक है? तो फाइव का डी होगा, पॉम पॉम पॉम, और फोर का क्या था बेटा, ओपन एंड शट। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर फॉर यू, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, ड्रिंक, सेकेंड ईट, थर्ड स्लीप एंड फोर्थ कुक। तो यहाँ पे देखिए एक्शन है जिन्हें आप रीड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एक्शन वर्ड चूज फ्रॉम द बॉक्स। यानी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए जाएंगे और आपको बॉक्स उसके करेक्ट आंसर चूज करके राइट करना है। फर्स्ट देखिए क्या है, द विंड ब्लोज, यानी हवा क्या है, चलती है। सेकेंड, पीटर स्कीप्स, पीटर जो है वो क्या करे, रस्सी कूद रहा है ना। थर्ड, द डक्स स्विम, डक्स क्या कर रही है बेटा, स्विम कर रही है। द सन शाइन्स, सूरज जो है वो शाइन कर रहा है ना, चमक रहा है। सीमा रीड्स, सीमा क्या है, सीमा पढ़ती है ना। तो विंड यानी हवा चलने का काम कर रही है, पीटर रस्सी कूद रहा है, डक स्विम कर रही है ना, सन चमक रहा है, और सीमा क्या कर रही है, रीड कर रही है, ठीक है? तो इस तरह से आपने एक्शन वर्ड फिल कर लिए, इसमें ब्लो, स्कीप, स्विम, शाइन्स और रीड्स क्या है, एक्शन वर्ड है ना। नेक्स्ट इसमें देखिए डी, रीड द नेम सर्कल द एक्शन दैट दे कैन डू। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ नेम दिए जाएंगे जिनके एक्शन एक्शन जो है आपको सर्कल करने है। अब देखिए बेबी नेम है और सेकंड साइड क्या है, एक्शन वर्ड है। इसमें क्या है, बेबी, बेबी क्या कर सकता है, क्राई, रो सकता है, क्रॉल और लाफ, ये तीनों बेबी कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या होंगे, सर्कल होंगे, बट बेबी फ्लाई नहीं कर सकता है ना, कोई भी बेबीज फ्लाई नहीं करते हैं, तो फ्लाई को हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई, उड़ सकते हैं, होप, होप भी करते हैं ना, फुदकते हैं वो लोग, और क्या करते हैं, सिंग, गाते भी हैं, सिंग होगा, बट रीड जो बर्ड है वो रीड थोड़ी करता है, उसको थोड़ी जाता है कि रीडिंग कर लेगा। तो यहाँ पर फ्लाई, होप और सिंग को सर्कल कर लेंगे। डॉग, डॉग का काम क्या है, डॉग बार्क करता है ना। अब कहेंगे बार्क, बार्क नहीं होता बेटा, बार्क होता है, इसमें आर क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इसका हम इसको क्या रीड करते हैं, बार्क, ठीक है। सेकेंड, डॉग और क्या करता है, रन करता है, रन को सर्कल करेंगे, बार्क को सर्कल करेंगे, और क्या करता है, देखते हैं मिट्टी को कुदेरता भी है ना, खुदाई, छोटे छोटे गड्ढे बना देता है डॉग। जो आप देखेंगे आसपास जो डॉग्स बैठते हैं वो थोड़े से मिट्टी को क्या करते हैं, डिग करते हैं, उसमें
उसकी मिट्टी को बिखरा देते हैं। तो यहाँ पर डिग को भी हम सर्कल कर लेंगे, बट डॉग राइट नहीं करता है तो राइट को सर्कल नहीं करेंगे। मंकी, मंकी का क्या एक्शन है? क्लाइम, चढ़ने का, जंप, कूदने का। तो यहाँ क्लाइम और जंप सर्कल होगा, रीड और सिंग सर्कल नहीं होगा। फिफ्थ डक, डक का क्या वर्क है? स्विम कर सकती है, क्वैक क्वैक कर सकती है। तो ये स्विम और क्वैक बेटा हम सर्कल करेंगे, टॉक और म्यू सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास सेकेंड में भी ये वर्क करेगा आपको, है ना। तो क्लास फर्स्ट, सेकेंड, इवन थर्ड में भी ये जो साउंड्स है ये बेटा आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मस्ट है लर्न करना। देखिए क्या है, ई मैच द एनिमल टू द साउंड दे मेक। आपको उन एनिमल्स से उनके साउंड, यानी आपको जो भी यहाँ पे एनिमल्स का पिक्चर दिया है उससे उसके साउंड क्या है बेटा, मैच करने हैं, है ना। हर एनिमल के अपने अपने साउंड होते हैं। अभी फर्स्ट क्या है देखिए, हॉर्स, हॉर्स का क्या साउंड है? डी। डी क्या है? नीज। ठीक है, तो हॉर्स का साउंड क्या है? नीज। ओके, सेकंड फ्रॉग, फ्रॉग का साउंड क्या है? क्रॉक्स। क्या है फ्रॉग का साउंड? क्रॉक्स। थर्ड अ लायन, लायन का कैसा है साउंड? रॉज। इसमें देखो बेटा, आर ओ ए, आर फिर क्या होता है? साइलेंट होता है, एस कम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉयन का साउंड क्या होगा, क्या कहेंगे? रॉड्स। ठीक है, क्या कहेंगे? रॉड्स। ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स का क्या साउंड होता है? चप्स। क्या होता है? चप्स। ठीक है, बर्ड्स चप्स का साउंड करती है। फिफ्थ एलिफेंट, एलिफेंट का क्या साउंड होता है? ट्रम्पेट्स। क्या होता है? ट्रम्पेट्स। एंड लास्ट कैट, कैट का साउंड क्या होता है? म्यूज। ओके, आई रिपीट दिस, डॉग सॉरी हॉर्स, हॉर्स का साउंड क्या होता है? नीज। फ्रॉग क्रॉक्स, लॉयन रॉज, लॉयन रॉज, बर्ड्स चिप्स, बर्ड चिप्स, एंड फिफ्थ एलिफेंट ट्रम्पेट्स, एंड लास्ट अ कैट म्यूज। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सभी को आपको अपने बुक्स में फिल करना है और इसे लर्न करना है। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद ऑल ऑफ यू।